हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर, या इसी को हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक आप लोग सबको ही जानते होंगे कि किसे कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जितने अंकों का प्रयोग करते हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। मतलब जैसे किसी चीज को नापने, जैसे लंबाई नापना, ये लंबाई है, यहां से यहां तक की हम लोग लंबाई नापे, ये आया 0.563। तो इसमें हम लोग तीन डिजिट का यूज किया इसको नापने के लिए, तो ये तीनों डिजिट क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0500। 0.0500 में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने सारे हैं, कितने सार्थक अंक हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे पता करना है, तो सिग्निफिकेंट नंबर का रूल ये होता है कि सिग्निफिकेंट नंबर एक से लेकर के नौ तक के जितने भी डिजिट आएंगे सबको सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी, जीरो छोड़ करके। जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये पूरे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। मतलब यहाँ पे 5 तो सिग्निफिकेंट नंबर है, ये क्लियर है, ठीक है, पर जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता है। अब जीरो सिग्निफिकेंट नंबर कब होगा, अगर वो सिग्निफिकेंट नंबर किसी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ्ट में है, इधर है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर इधर है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे 5 के इधर में 2 जीरो हैं, पर ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, पर 5 के इधर 2 जीरो हैं तो ये दोनों सार्थक अंक होंगे। तो 5 खुद एक सार्थक अंक था और ये दोनों जीरो भी हैं, तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए, 1, 5 और 1, 0 और 1, 0, मतलब टोटल 3 सार्थक अंक यहाँ पे हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब सार्थक अंक के बारे में या सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में ये भी जान लो कि अगर ऐसे भी लिखा होता है 0.05.00 ऐसे भी लिखा होता तो भी दशमलव के बदल जाने से भी इधर वाला पूरा सिग्निफिकेंट नंबर होता, लेकिन इधर वाला सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, ठीक है। तो दशमलव बदल जाएगा अगर दशमलव का पोजीशन, तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बदलेगा, सिग्निफिकेंट नंबर वही रहेगा, है ना। तो जो भी एक से लेकर के नौ तक का डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा, प्लस जिस उस डिजिट के इस साइड में जितने भी जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत आएंगे, पर इधर नहीं आएंगे। अब अगर मान लो 4, 0, 4 है, तो 4 तो सिग्निफिकेंट नंबर होगा पक्का, क्योंकि 1 से 9 तक सिग्निफिकेंट नंबर है, ये 4 भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, सार्थक अंक होगा। लेकिन 0 तो सिग्निफिकेंट नंबर होता नहीं है, पर अगर दो सार्थक अंक के बीच में कोई 0 है तो वो भी सार्थक होगा। तो यहाँ बीचों बीच है, इसलिए ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो क्या समझ में आया, इधर वाले सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं 0, इधर वाले 0 सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, और अगर दो सार्थक अंक के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 3। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इम्पोर्टेंट है जेई और नीट के दृष्टिकोण से, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिनकी जो लोग भी इस साल जेई और नीट की तैयारी करते हैं वो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अपने भी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो लोग भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आप लोग के सर पे हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की तैयारी के लिए। इस मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाकर के एक बार जरूर चेक करना, और अच्छा लगे अगर वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना।